कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहें ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहें मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने, बोलते आईने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस कड़ी में, जिसमें हम आज आपकी बड़ी अच्छी खूबसूरत हसीन मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे यंग मैन से जो कि बच्चा समझता है अभी भी अपने आप को, और आपको इतनी खुशी होगी इस व्यक्ति से मिलके जो हमको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी कितनी विकसित होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूं सैमसन डेविड। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज दिस इवेंट, दिस एपिसोड। मैं वेलकम करना चाहूंगा आप सबके सामने डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी का, जो कि हरियाणा से हैं और 76 इयर्स में अभी चले गए हैं और इतने एक्टिव, यानी कि एक 16 साल का बच्चा हो उसकी तरीके से अभी भी काम करते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी वो आज भी अपनी गाड़ी से रोहतक से गुड़गांव जाते हैं, जहां पर वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है वहां पर कल्चरल एडवाइजर हैं, और वो उसी तरीके से हाइफा जो है हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन, जिसमें हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट हैं या फिल्म थिएटर के लोग हैं उसके वो प्रेसिडेंट हैं, और जाने माने एक्टर यशपाल शर्मा जी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप YHEI यानी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हरियाणा यूनिट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यानी कि इनकी लियाकत और सलाहियतें इतनी हैं कि मैं गिनवाता रहूंगा, लेकिन जो कीवर्ड है जो मैंने देखा है पिछले करीबन 32-33 साल में इस महान विभूति की, वो एक ही वर्ड है, सादगी। जिगर मुरादाबादी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है, और भूल जाता हूं मैं उसके सितम, वो इस सादगी से मिलता है। तो सादगी के प्रतीक हमारी निशानी डॉक्टर जनार्दन शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आज की एपिसोड जो है। आइए आपसे मुलाकात करते हैं। हरियाणा के मशहूर गीतकार, गायक और अभिनेता श्री जनार्दन शर्मा जी का जन्म 7 अप्रैल 1946 को दादरी के पास गांव बंदवाना में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव से शुरू कर हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उन्होंने जींद से पूरी की और उसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसी दौरान 1973 में उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा बेस्ट ऑलराउंडर आर्टिस्ट का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। हरियाणवी फिल्म छैल गैला जांगी, छैल गाबरू, गुलाबो, भारी धरती भारी माँ, पिंगला भरतरी, चांद चकोरी, कर्म और तेरा मेरा वादा जैसी अनेकों हरियाणवी फिल्मों में काम कर चुके श्री जनार्दन शर्मा जी को हरियाणा सरकार द्वारा देवी शंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग में लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद वो बतौर निदेशक युवा कल्याण विभाग सेवानिवृत्त हुए और आजकल गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर सलाहकार युवा कल्याण विभाग कार्यरत हैं। आप डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी सारी चीजें हैं, आप एक महान अभिनेता हैं और विशेषकर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी के उसमें आपका बड़ा रोल रहा है भारतीय सिनेमा में, हरियाणा फिल्मों की कई फिल्मों में काम करा है, और सिर्फ एक अभिनय की नहीं, आप लिरिसिस्ट भी रहे हैं, आप डांसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, यानी कि बहुत सारी क्वालिफिकेशन से जो मैं मानसन। तो बोलते आईने की इस कड़ी के अंदर डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको आप प्लीज ये बताइएगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन से लेके अभी तक की बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर में अपनी एक कहानी को बताइएगा।
सबसे पहले मैं मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, मेरे प्रिय छोटे बड़े भाइयों को, बच्चों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। डेविड सर, आपने बहुत ही उम्दा बात पूछी है। सबसे पहले मैं आपको आशीष दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ये जो चैनल आप चला रहे हैं यूट्यूब पे बोलते आईने जी, ये हम जैसे, आपने तो कहा बच्चा, और वह वास्तव में मन से और आत्मा से बच्चे ही हैं हम जी, बिल्कुल। हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने बहुत ही उम्दा ये चैनल, ये कार्य शुरू किया है जी। और मैं परमपिता परमात्मा से, उस गॉड से उसकी ब्लेसिंग चाहूंगा कि जो ये आपका बोलते आईने है बहुत ही ऊंचाइयों तक जाए और हम जैसे बुजुर्गों को आपके माध्यम से एक दूसरे से परिचित करवाता रहे। जी जी जी। तो सभी से फिर एक बार सभी का धन्यवाद, शुभ आशीष। बचपन से मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे उसमें मैं अपने थोड़ा सा पिता के बारे में बताऊंगा, माता के बारे में जी, कि मेरे फादर, और वैसे तो सभी हम खेती कर रहे हैं, जितने भी शहरों में आप आए हैं, हम आए हैं, सबके माता पिता दादा दादी खेती कर रहे हैं सर, किसान रहे हैं जी, हम सब किसानों की औलाद हैं। और मेरे पिता एट ए टाइम तीन काम किया करते थे, वो मंदिर के पुजारी थे, दूसरे हलवाई का काम करते थे, अच्छा, तीसरे खेती बाड़ी का काम करते थे, ऊंट रखते थे। अरे वाह। और मुझे उनके माध्यम से, क्योंकि हेरिडिटी और एक्वायर्ड दो तरीके से, मतलब ये हमारे अंदर आती हैं कल्चर की बातें। हाँ हाँ हाँ। मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती थी, बड़ी बहन बहुत अच्छा गाती थी, अच्छा। तो पूरी मतलब फादर, मदर और मेरी सिस्टर, जी जी जी, इनके अंदर कुछ दैविक गुण थे कल्चर के, गाने के लगा लीजिए। होली के दिनों में मेरे फादर एक्ट किया करते थे, सॉन्ग निकालते थे, मैं छोटा बच्चा था, मुझे भी वो रोल करवाया करते थे। तो मुझे बचपन से ही इन बातों का बहुत मुझ पे असर रहा है और मुझे ये हेरिडिटी है और एक्वायर्ड है। और एक हमारी ताई थी मजीदन जी, मोहम्मदन लेडी थी, हम उस ताई बोलते थे बहुत अच्छा। मजीदन, अच्छा। और उनकी दो बेटियां थी, कबीरी और मनीरी जी, और ये दोनों इतना उम्दा डांस करती थी, इतना उम्दा गाती थी कि वो सारे गुण मेरे अंदर ट्रांसफर होते रहे, एक्वायर्ड भी मुझे मिला ये सब कुछ, और मुझे अनुवांशिक रूप से भी मुझे मिला। वेरी गुड। तो बचपन से तीन साल का बच्चा था तब वो हमारी ताई मजीदन कहती थी कि रे किसनिया नाच के दिखा। अच्छा। तो तब से लेकर ये ठुमके, ये लचक जी, ये उन्हीं ने मेरे अंदर भरी है और मुझे ये पारिवारिक हेरिडिटी से मुझे मिला है सर, ये सारा जी, 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 जी। मैं अपने माता पिता और हमारी ताई मजीदन, और फिर आगे आके कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में हमारे बड़े बड़े बहुत गुणी गुरु रहे हैं, डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का नाम लूंगा, डॉक्टर आई सी मित्तल जी का नाम लूंगा, चांद साहब अब नहीं है उनका नाम लूंगा, बड़े बड़े गुणी व्यक्ति एसपी शर्मा जी का नाम लूंगा, इतने बड़े बड़े टीचर रहे हैं मेरे, प्रोफेसर रैंक के। और उसके बाद जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं, विशेष रूप से यहां मैं कोट करूंगा, गायकी में तो जगदीश सिंह जी, ओके, और एक्टिंग में राजेंद्र गुप्ता जी, अच्छा, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रत्न थे किसी टाइम में, और इनकी जो परिपाटी थी उसको मैंने लगातार आगे बढ़ाया है। तो बिल्कुल, ये बचपन का छोटा सा ये था कि बचपन में मुझे सारा मतलब इस करने का, बहुत स्कूल लेवल से मुझे ये बातें, ये गाना बजाना, उछल कूद करना, ये बचपन से मुझे मिला है। जी जी, असल में क्या हुआ कि एक बारी आपसे, क्योंकि आपसे मेरे रिलेशन करीब 33-34 साल से हैं, और एक बहुत जमाने पहले मैं आपसे ये सुन रहा था कि आपको ये सारी बातें जो है किस तरीके से पनपी। आपने तो शायद, आपने एक बारी मुझे बताया था कि आप थर्ड स्टैंडर्ड में थे, कि आपने किसी डांसर को, काफी सीनियर डांसर थी, और वो जब डांस कर रही थी और आप उछल के थर्ड स्टैंडर्ड में थे, आप और डांस करने लगे, उछलने लगे, और वहीं से आपने देखा। फिर मैंने आपका ग्राफ और स्टडी करा कि स्कूल डेज में हो गया, फिर कॉलेज में हो गए, कॉलेज जब पंजाब में होता था आपका, और फिर उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आपने जो परचम लहराया है उस यूनिवर्सिटी का,
बल्कि तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ख्याल है 19 फरवरी की बात है शायद वो, और 1972 की 12 फरवरी। अच्छा, तो तब आप 12 फरवरी जी आपके नाम 12 फरवरी 1972 तो आपके नाम से एक नाइट वहां पर ऑर्गेनाइज की गई, यानी शामे जनार्दन। मैं जहां तक समझता हूं, मैं कल्चर में तकरीबन मैंने भी 40-45 साल लगाए हैं, लेकिन अभी तक किसी यूनिवर्सिटीज में लिविंग वहां पर स्टडी करते हुए किसी के नाम से कोई नाइट मनाए, ये अद्वितीय बात है, अनुपम और अद्भुत है, मैंने शायद अभी तक नहीं सुना। तो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 1972 में आपके नाम से, आपकी मौजूदगी में, आपके सामने एक शामे जनार्दन मुनक्किद की गई, तो ये कितनी, क्योंकि आप उस जमाने में बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट ऑलराउंड पर्सनैलिटी, बेस्ट कैंपर, ना जाने कितनी चीजें आपको नवाजा गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो इंटरव्यू जो चल रहा है, ये एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी जिसपे हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उस पर विशेषकर ध्यान दिया गया है कि पढ़ाई केवल या शिक्षा केवल वो नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या ज्योग्राफी या इतिहास पढ़ लिया, वो तो 50% मेरे या हमारी तरफ से यही कहना होगा, बाकी जो दूसरी चीजें आपको कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज, किस तरीके का आपका वॉक करना, टॉक करना है, आपको निभाना है लाइफ में, ये सारी चीजें होती हैं, और जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेचर वगैरह तमाम चीजों का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। इन तमाम चीजों की आप एक तरीके से कैप्सूल बने, एक पूरा कॉम्पोजिट, एक आप एक बैग बने जिसके अंदर सारी चीजें जिस समाई हुई थी। तो ये इस शामे जनार्दन के बारे में थोड़ा बताइए जी। सर, इसमें मेरे से बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ही ज्यादा गुणी, चाहे वो संगीत का पक्ष हो, चाहे थिएटर का पक्ष हो, चाहे डांसिंग का पक्ष हो, लिटरेरी इवेंट्स का हो, मेरे से बहुत ज्यादा गुणी, मेरे से पहले भी और अभी भी बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत गुणी कलाकार होके जा लिए हैं। जहां तक देखिए सर, कॉलेज स्कूल लेवल से मेरा ये 8वीं में मैं था जब शाही लकड़हारा बहुत मशहूर प्ले है, उसमें बेला का रोल किया था मैंने 8वीं क्लास में। अच्छा। और धीरे 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 ये सफर कॉलेज में आए तो मुझे बेस्ट ये अवार्ड मिला कल्चरल एक्टिविटीज में। ओके। क्रेस्ट अवार्ड मिला, और साथ साथ मैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी किया करता सर, अरे तो मैं मिस्टर कॉलेज भी रहा हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज जींद में। क्या बात है। उसके बाद जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गया, जी 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 जी, तब वहां जाते 1970 में हमारे, मैं तो ग्रुप ही कहूंगा, मेरे परमादरणीय बड़े भाई आरपी हुड्डा जी, जी जी, रामफल हुड्डा जी वाइस चांसलर भी रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, बहुत भी, और के भी, आरपी हुड्डा जी, और आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने और गुरुओं ने मेरे को इतना प्यार दिया जी, और इतना मेरे को तराशा के धीरे 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 1970 में जब यूथ फेस्टिवल हुआ, पहले वो एक छोटा प्रोग्राम होता है टैलेंट सर्च। ओके। तो टैलेंट सर्च में, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मेरे बचपन से घर से ही मिली थी, फिर कॉलेज में आके मिली जी, तो मैंने 4-5 आइटम दिए थे, मोनो एक्टिंग दी, उसमें फर्स्ट रहा। अच्छा। फोक सॉन्ग गाया, उसमें फर्स्ट रहा, और फोक सॉन्ग के इतर रागनी, ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं, फोक सॉन्ग और रागनी। अच्छा। उसमें फर्स्ट रहा सर, सोलो डांस था उसमें फर्स्ट रहा। तो मेरे को गुरुओं ने, आईसी मित्तल जी ने, परमादी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने, आरपी हुड्डा जी ने, पता उनकी नजर, क्योंकि पार्क की नजर ने मुझे चढ़ाते गए, हर यूथ फेस्टिवल में मेरे को एक्टिंग में भी, डांसिंग में भी, गाने में भी अवार्ड मिलते रहे। अच्छा। 12 फरवरी 1972 को जब ये जवान एड फंड के लिए प्रोग्राम किया था सर। ओके। उन दिनों बड़ी मतलब थी के जवान एड फंड के लिए वो कार्य करते थे, सारे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में चल रहा था। अच्छा। तो ये बैठ के डिसाइड किया कि मैंने जितने भी नाम लिए हैं, ये बज़्मे सुखन के नाम से वहां संस्था थी। ओके। बज़्मे सुखन। अच्छा। और उसमें बड़े बड़े शायर हजरात भी जो है ना उसके मेंबर थे, बड़े बड़े प्रोफेसर उसके मेंबर थे। अच्छा। उन्होंने डिसाइड किया कि जवान एड फंड के लिए एक प्रोग्राम करेंगे।
वैरायटी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, उस वक्त ये नहीं बना था जो कुरुक्षेत्र का हाल में ऑडिटोरियम है, ये नहीं था जब। अच्छा, एजुकेशन कॉलेज में बिल्डिंग थी, उसमें ऑडिटोरियम था छोटा। जी जी जी, उसमें जब ये आई बात के भी किसके नाम से की जाए, तो सबसे पहले आरपी हुड्डा जी ने, सबने मिलकर के क्या जनार्दन नाइट मनाएंगे। जी 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 जी, तो उस वक्त मैं तो आज भी उनके चरणों को जाते ही जहां भी मिलते हैं मैं सलाम करता हूं और चुचकार के माथा पे लगाता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि जनार्दन के नाम से नाइट मनाई जाए। जी जी जी, और उस नाइट में मैंने आपके पास फोटो भी भेजा है जी, बीएन चक्रवर्ती जी गवर्नर थे उस वक्त जी, वो चीफ गेस्ट आए। हाँ हाँ, और एस के दत्ता सर वो हमारे आदरणीय वाइस चांसलर थे। अच्छा, तो सबसे पहले उसमें मेरे अकेले के 7 इवेंट थे सर। ओके, वन एक्ट प्ले था, डांस ड्यूट था, डांस सोलो था, ग्रुप डांस था, कव्वाली थी। अच्छा, और सब मोनो एक्टिंग थी, क्योंकि उस वक्त मिमिक्री का जो इवेंट था आपने शुरू करवाया था। जी जी, उससे पहले मोनो एक्टिंग थी। जी जी जी, लेकिन मिमिक्री का जो आइटम जो आपने शुरू किया था, ये बचपन से मैं, क्योंकि प्रकृति जो है हमारा जो नेचर है जी जी, उससे हमें सीखने को मिलता है। हाँ, हाँ, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, प्रकृति नेचर नेचर से मिलता है सर, हर बच्चे को मिलता है। ठीक बात है। तो ये 7-8 इवेंट मेरे थे, और मैं बताऊं आपको, और इनमें इवेंट्स में ये जितना आपके ग्रुप देख रहे हैं, मैंने फोटो भेजा है, सभी बच्चे एक से बढ़ के एक कलाकार थे उसमें जी। लेकिन मैं तो उस परमपिता परमात्मा का और उन गुणीजनों का इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे नाम से, और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि 12 फरवरी 1972 से पहले किसी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में इतना मान सम्मान नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आज तक भी मुझे जहां तक ज्ञान है किसी स्टूडेंट के नाम से नाइट नहीं मनी है, बिल्कुल नहीं। और सारा का सारा श्रेय मेरे गुरुओं को, माता पिता को, ये उनको जाता है। मैं तो सर उछल कूद कर लेता हूं, मुझे नहीं पता कि कहां से क्या आता है मेरे अंदर। ये आपका बड़प्पन है डॉक्टर साहब जो इतना कह रहे हैं, आपके अंदर भी जो सलाहियत और जो अंदर गुण छुपे हुए हैं, क्योंकि एक गुण नहीं है, आपके अंदर कई गुण ऐसे हैं, क्योंकि मुंह से आवाजें निकालते हैं, कभी ढोलक बजाते हैं, कभी बीन बजाते हैं, रिदम बजाते हैं, कभी जानवरों की आवाजें निकालते हैं, कभी इंग्लिश के प्लेस करते हैं आप। मैं दो एक चीजों को भी कर। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, एक किस्सा मुझे याद आ गया, और उस किस्से के अंदर यह है कि इंग्लिश प्ले चल रहा था, और मेरा ख्याल है वहां के गवर्नर साहब बैठे हुए थे और वहां के वाइस चांसलर, बड़ी भारी एक खचाखच हॉल भरा हुआ था, और आप इंग्लिश प्ले कर रहे थे, और उस इंग्लिश प्ले के अंदर एक मजेदार बात यह हो गई कि जो शुरू में तो आपने इंग्लिश का डायलॉग बोल दिया और आखिरी का याद था, लेकिन बीच में आप सब गुम हो गए, आपको पता ही नहीं चला मैं क्या बोलूं, और आप सोचने लगे, लेकिन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो वहां पर, तो इनोवेटिव आपने स्पॉन्टेनियसली क्या सोचा कि ऐसी इंग्लिश बोली कि तमाम लोग डिक्शनरी देखने लगे, यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, मुझे वो थोड़ा सा अगर सुना सकते हैं प्लीज, आपके कैसी इंग्लिश थी वो? जी जी सर, ये फंक्शन कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में उसी छोटे हॉल में है, टीचर्स डे का है ये सर, ये अच्छा, ये टीचर्स डे पे प्ले किया था, और अब तो रिटायर हो गए हैं मेरे फ्रेंड है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, रिटायर हो गए वीरेंद्र जी हुआ करते थे। ओके, वो किंग का रोल कर रहे थे, डम्ब वाइफ ऑफ चीफ साइड प्ले का नाम था, मुझे अच्छा, जहां तक ध्यान अच्छा है। तो वो किंग का रोल कर रहे थे और मैं उनका चांसलर था, मेरे को मैं फोटो में शायद मिले ही नहीं, मैं वो भेजता, चांसलर का रोल किया था मैंने। जी जी, तो बहुत बड़ा पूरा याद था, इंग्लिश प्ले था। अच्छा, बहुत बड़ा डायलॉग था, कम से कम 6-7 लाइन का। जी जी जी, सारा आराम से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जब ये डायलॉग आया तो इसका शुरू की जो लाइन थी, सेंटेंस था, वो याद रहा जी, और बिल्कुल लास्ट का जो था, जहां क्यू देना होता है आप दूसरे को, एक्टर को, वो याद रहा। जी जी, और चलते चलते सर, उछल कूद करते करते, सारा का सारा जब वो मैंने शुरू किया, हमारे वाइस चांसलर सर बैठे हुए थे, दत्ता सर, और पूरा हाल आपने बताया ना, खचाखच भरा हुआ था जी, जी, पूरी कम्युनिटी। मुझे, मैं बीच में एक बात बता दूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट थे, चाहे कॉमर्स के थे, चाहे आर्ट के थे, चाहे साइंस के थे, हर हेड, हर टीचर मेरे को जो ना
बहुत मन से आत्मा से प्रेम किया करता सर जी बिल्कुल। तो जब मैंने वो डायलॉग शुरू किया अच्छा तो ऐसे था वो कुछ हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा ध्यान है मैं बोल के दिखाता हूँ सर। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ They should not be chosen in Kristava Trujev Tangela as to Monacaristo in a Kronatabala Domini, I want to Monacastro Galibana in connection with a king. They should not be tolerated. Or last method in connection with a king. बीच में पता नहीं राम जानता है कि मैं क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया। और वीसी साहब जब लास्ट में वीसी साहब उठ मैं गया उनके पास मेरी हाँ उन्होंने जफी पाई और कहता जन और ये जोड़ी जो नाम है मेरे को उन्होंने नाम दिया था अच्छा अच्छा जोड़ी 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 कहते हैं हाइफा में और सभी जगह निकने में उन्होंने जोड़ी बना दिया ठीक है जोड़ी कहता वेल डन जोड़ी फैंटास्टिक इंग्लिश यू हैव स्पोकन। वो भी डिक्शनरी देख रहे होंगे यार क्या डिक्शनरी क्या क्या लफ्ज बोल गए इतने बड़े बड़े जो डिक्शनरी में नहीं मिल रहे लेकिन कितनी जबरदस्त इंग्लिश बोली। डॉक्टर साहब आपके तो खैर कई फन मैंने देखे मुंह से आप रिदम भी बजाते हैं कोई ढोला कोलक और कई कई तरीके की चीजें कुछ मुजारा कर सकते हाँ, हैं सर, हाँ, बिल्कुल। प्लीज प्लीज और ये देखिए क्योंकि ये विधा जो है ना मुझे थोड़ी बहुत यहाँ मेरे घुसी तो मेरे फादर की वजह से अच्छा। मैंने पहले बताया ना फादर गाते भी थे बजाते भी ढोलक बहुत शानदार बजाते थे क्या बात और भजन गाते थे कबीर जी के और दूसरे उनकी महारत थी अच्छा। मनोहर लाल नाम था उनका जी और जी। जैसा नाम था वैसा काम भी था अच्छा। और नृत्य भी मैंने उन्हें मेरे फादर भी छुप के नाचते थे ओ। लेकिन मैं होली के दिनों में उन्हीं से मैं बहुत कुछ मिला मेरे को। तो ये जो बजाने के ढोलक या तबला कह लीजिए जो जी, बजाने जी। की वो थी जी। उनकी हालांकि मुझे मैंने डॉक्टर वाइफ है इनसे कई बार कहा कि मैं थोड़ा बहुत लेकिन ये धीरे धीरे मैं जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं पिछले 11 साल से मैं जी, बीच जी। में ढोलक बजा लेता हूँ तबला बजा लेता हूँ अरे वाह और मुंह से मैं जो हाथ से बजाने के बजाय मुंह से ज्यादा अच्छा बजा लेता हूँ। ओह मार्वेलस डॉक्टर साहब ऐसे सुनाइए प्लीज ये मिमिक्री समझिए सर चलिए जी 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 मजा आ जाएगा। और मैं मेरे गुणीजन जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर इन म्यूजिक जी प्रोफेसर इन इंस्ट्रूमेंटल जी जी प्रोफेसर वोकलिस्ट ये सुनेंगे और मेरे से गलती हो मैं पहले ही इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे नहीं 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 आप प्लीज सुनाइएगा तो वो थोड़ा थोड़ा मैं शर्बानगी दे रहा हूँ आपको जी 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 वाह 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 क्या बात है क्या बात है वंडरफुल बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब बहुत ही हमारे जितने बोलते आईने के जितने दर्शक होंगे इस वक्त मजा ले रहे होंगे कि कितना बढ़िया आपने इस फन का मुजाहरा करा कि मुंह से ढोलक बजाई। आप में तो खैर बहुत पहले अब बीन भी बजाते थे और फिर कुछ एनिमल्स की आवाजें भी बहुत निकालते थे वो भी हमने सुनी। मैं बांसुरी बजाता पहले बांसुरी बजाता था सर। ओहो अरे हाँ अरे मदान साहब हुआ करते हैं हमारे और आर एन सिंह अब तो नहीं रहे दोनों जी। तो ये मेरे गुरु रहे हैं म्यूजिक में जी, और जी, जी, जी। के एल सहजपाल जी हमारे एम एल सहजपाल जी जो पंजाब जी। में चले गए थे 1966 में जब पंजाब बना जी, जी। भारद्वाज हुआ करते हैं उनकी सिस्टर करुणा भारद्वाज अरुणा जी ये सारे फैमिली थी वो मेरे टीचर रहे हैं म्यूजिक में। अच्छा अच्छा और 1965 से इन्होंने मेरे को ग्रुप सॉन्ग में लिया था जब पंजाब यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल हुआ करते तो मैं गाया करता था। अरे डॉक्टर साहब एक बात
मैं ये बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब यूथ फेस्टिवल आप बोल रहे हैं, ये तो एक जी अपने अंदर एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया ग्रंथ है, क्योंकि यूथ फेस्टिवल का जब हम सुनते हैं कि जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं या कोई भी हैं, ज्यादातर के मैंने इंटरव्यू सुने तो वो कह रहे हैं हम यूथ फेस्टिवल से आए हैं किसी भी तरीके से। आपके सीनियर शायद जगजीत सिंह जी थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और इस तरीके से राजेंद्र कहीं। गुप्ता जी, तो आप, आपका कब से ये सामना पड़ा, और कुछ थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के यूथ फेस्टिवल के बारे में, और इनका रोल बताइए और क्या महत्वता है। ये जहां तक थिएटर की विधा है सर, मैंने पहले बताया कि वैसे तो होली के दिनों में जब फागुन के दिन आया करते हैं तो फादर मेरे स्वांग निकालते थे, काली घाघरी पहन के और नाक में मुंह में वो बला के, ओ जो ये झंडे की तुलियां होती है ना, ये लगा के हाँ हाथ हाँ लाल हाँ आंखें करके और वो काली का रूप वो निकालते थे क्या बात है। और मुझे भी जो है ना साथ साथ रखते थे। जी 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 तो ये बचपन से ही इस विधा को भी मैंने अडॉप्ट किया है फादर से। जी जी और जी 8वीं कक्षा में, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बेला का रोल किया था शाही लक्कड़हारा में, और ओके उसके बाद कॉलेज में आके यूनिवर्सिटी लेवल पे आके मैंने कुल मिला के 22 प्लेज में काम किया है सर अभी तक। अरे बाप, और ये मैंने जो बाकायदा 2 महीने की ट्रेनिंग ली थी कालीकट यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ ओ थिएटर, जो त्रिचूर में हुआ करता सर, अच्छा 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 जी वहां जी शंकरा पिल्लई मेरे गुरु रहे हैं। जी 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 और उस वर्कशॉप में, 2 महीने की वर्कशॉप में बंसी कौल जी आए थे जी 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 और बीबी कारण जी आए थे, तो ओ बड़े नाम है तो। उन्होंने 2 प्रोडक्शन करवाई थी, खामोश अदालत जारी है और बड़े बाबू, तो अच्छा उनके अंडर मुझे काम करने का मिला। और आईसी मित्तल मेरे गुरु रहे हैं अच्छा और सिन्हा साहब मेरे गुरु रहे हैं। तो मैंने 1965 में पहला प्ले किया था यूथ फेस्टिवल, पंजाब यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल हुआ करते, और आनंद सर डायरेक्टर यूथ वेलफेयर हुआ करते उनके हाँ लिए। बिल्कुल बहुत मशहूर। हाँ, तो वो मेरे गुरु भी रहे हैं अच्छा और उन्होंने मेरे को बड़ा बूस्टअप किया, क्योंकि अच्छा 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 यूथ फेस्टिवल में वो आया करते। पहला यूथ फेस्टिवल मैंने 1965 में रोहतक के जाट कॉलेज में अटेंड किया था, और भंगड़े का मैं कैप्टन भी रहा सर, भंगड़े का। हाँ, मुझे अब अरे याद आ गया मार्वलस, कि दिस इज टास्क जो मिला आउटस्टैंडिंग। है, मैं 2 साल कॉलेज में भंगड़ा कैप्टन रहा हूं, तो अच्छा यहाँ पे भंगड़े में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और थिएटर भी साथ साथ। उसमें मेरे अब ध्यान नहीं है, वो लिखा हुआ है कौन कौन से प्ले में काम किया था, अच्छा 22 प्ले किए हैं। तो 1965 से यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेशन शुरू किया था और कुरुक्षेत्र तक जाके बेस्ट एक्टर भी रहा, बेस्ट डांसर भी रहा, और काफी तरह के, मतलब जो ना आप लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, कहीं ना कहीं बैठे आप उस वक्त भी कर रहे थे मेरे लिए जी 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 शुभकामनाएं आपकी। तो जी ये थिएटर का जो सफर है, सारा ही सफर लगा लीजिए, चाहे थिएटर का है, चाहे डांस का है, चाहे म्यूजिक का है, जी जी ये जी शुरू से ही मेरा बचपन से ही रहा, और विशेषकर मेरा जो है ना रुझान थिएटर में रहा है। जैसा कि आपने पता, आप भी थिएटर में बुलाते रहते हैं खास तौर से, और डांस का ये सर रहा है मेरा। और अभी तक ये जो फिल्मों का दौर है, इनमें भी विशेषकर कई फिल्मों में डांस डायरेक्शन के लिए बुलाते हैं मेरे को। डांस डायरेक्टर तो बॉम्बे से बुलाते हैं, मैं हेल्पर के तौर पे, जैसे चंद्रावल फिल्म थी उसके जो डायरेक्टर थे वो उन्होंने, और फिर छोटी साली थी, गुलाबो थी, उन्होंने कईयों में उन्होंने मेरे को डांस के लिए भी बुलाया, एक्टिंग के लिए तो बुलाते ही रहते हैं सर ये। तो मेरा जो थिएटर का सफर है वो 1965 से शुरू हुआ सर, और उस वक्त यूथ फेस्टिवल करते करते पंजाब यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल, इनमें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला मेरे को, बेस्ट डांसर का भी मिला, और इसमें कव्वालियां भी जो है ना सम्मिलित थे सर, क्योंकि कव्वाली जो आइटम है मेरा पेट आइटम रहा है, वो तो जी आपको पता है, जी आपने जी शुरू जी करवाई है कव्वाली जी जी नेशनल लेवल स्तर तक। तो ये प्रारंभ से ही, मतलब मैं करता रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत जितना भी मेरे अंदर था वो बाहर आता रहा है टाइम टू टाइम। और एक और बात बताऊं कि 1985 से पहले इन युवा समारोह में मैंने लगातार, जैसे आपने 85 से तो ये रेगुलर फीचर हो गया था पूरे इंडिया का जो आपने शुरू किया, जी 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 उससे पहले भी यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे। मैंने लखनऊ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जगदीश गांधी जी हुआ करते, जी बिल्कुल वो ऑर्गेनाइज किया करते, तो उनमें लखनऊ में पहली बार जब गए मैं, मेरे ख्याल से ये बातें हैं 1971 की,
और 12 इवेंट्स में हम जीत के आए थे विद ओवरऑल ट्रॉफी। अच्छा, उसमें डांस भी, ड्रामा भी, सारी चीजें थी। तो उस वक्त जो है ना डायरेक्टर यूथ फेलवेयर हमारे हुआ करते डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी, इनके नेतृत्व में हम वहां गए थे। फिर दो बार मैंने ये किए हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। उसके बाद फिर कानपुर में भी अलग, जयपुर में पनिहारिन के नाम से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, वहां भी लगभग जो है ना आधी ट्रॉफी हम लेके आया करते सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी जी जी, चाहे वो थिएटर का फील्ड हो, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे डांस का हो, चाहे लिटरेरी इवेंट का हो, तो आधी से ज्यादा जो ट्रॉफी थी हम लेके आया करते सर। और ये सारा प्रताप जो है ना, और मेरी माँ यूनिवर्सिटी है सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जब भी मैं वहां जाता हूँ जो सेकंड गेट है द्रोणाचार्य गेट, सबसे पहले उतर के धरती को मैं चुचकारता हूँ वहां की। बड़ी बात, क्योंकि बहुत नाम दिया, हर चीज दी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सर। बिल्कुल, हाँ जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि बोलते आईने की इस कड़ी के अंदर जिस शख्स से मुलाकात हो रही है उनको आगाज में मैंने बताया था कि हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी यानी कि ऑलराउंड डेवलप्ड पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो आप उसके प्रतीक हैं डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये कल्चरल स्पोर्ट्स तमाम एक्टिविटीज़ में तो हैं ही आगे, लेकिन उसके भी आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्टर यूथ वेलफेयर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MD यूनिवर्सिटी रोहतक, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, वहाँ के भी आप DSW रहे हैं, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर रहे हैं, और डायरेक्टर यूथ वेलफेयर एकेडमिक्स में तो ये रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ इनका जो सबसे बड़ा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी को किस तरीके से बनाया जाता है, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें रही हैं। उस एक्टिविटीज के अंदर जिस तरीके से कल्चर से रिलेटेड है, आपकी स्किल डेवलपमेंट की आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, स्टेज पे कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है, कैसे बोला जाता है, किस तरीके से डांस को निभाया जाता है, एंट्री एग्जिट थिएटर वगैरह वगैरह वगैरह, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अजीम शख्सियत हैं कि एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी की एक बड़ी भारी ये हमारे सामने एक विभूति हैं डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी। डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी का एक मैं और पहलू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं, और उसके अंदर एक और बड़ी बात है, वो ये कि आप हास्य अभिनेता बड़े मशहूर रहे हैं, और कितने भी आप हरियाणा की मूवीज देख लीजिए इनके सबसे ज्यादा वहां पर रोल हास्य अभिनेता के रहे हैं। और मैं एक बात को और स्ट्रेस डालना चाहूंगा कि दुनिया के आज के परिवेश में विशेषकर आप देख लीजिए कि किसी को भी आपको हंसाना सबसे बड़ी एक कला है। आप रुला तो बहुत सकते हैं, बोल के, कटाक्ष मार के, कुछ भी करके, लेकिन किसी को हंसाना, और वो भी आज के इस युग में, कितनी बड़ी एक बात है। तो एज एन एक्टर जो कि हास्य अभिनेता जो हैं, और अलावा उसके करेक्टर रोल इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में करे, चाहे वो चंद्रावल हो, चाहे वो मारी धरती मारा गांव, या और छोरा जाट का वगैरह वगैरह, बहुत सारी इनकी फिल्में हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, बल्कि इन्होंने गीत भी लिखे हैं, लिरिसिस्ट लिखे हैं। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि थिएटर का तो अभी आपने बताया, और हर शख्स जो कि एक्टर, मकबूल एक्टर जो है या परिपक्व एक्टर है, वो थिएटर से ही उभरता है। हमारे जितने भी मुंबई के बड़े बड़े अभिनेता या अभिनेत्री हैं, सब जो हैं वो थिएटर को पहला नाम देते हैं, क्योंकि वहीं से एक पक्का आदमी आता है, सॉलिड होकर आता है, वो अखाड़ा होता है। आपने थिएटर में काफी नाम कमाया, उसके बाद फिल्मों में गए, मुझे कुछ फिल्मों के बारे में बताइए कि आपकी मसरूफियात, कितने लोग आपको ढूंढते थे कि आपको एक्टिंग करवाई जाए, और विशेषकर जो है हास्य अभिनेता की तरीके से कुछ आप यादें हमसे शेयर कीजिए प्लीज। और भी तो मैंने कुल मिला के 22 के करीब प्लेस में काम किया है। जी जी, और जी, जी, शुरुआत मेरी 8वीं क्लास से हुई थी सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और जहां तक मेरे सीनियर, जो मैं बड़े मन से आत्मा से उनकी इज्जत करता हूँ, गायकी में तो मैंने पहले बताया जगदीश सिंह जी हुआ करते थे जी, और थिएटर में राजेंद्र गुप्ता जी बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े के। जी जी जी, बहुत बड़े पानीपत के हैं, वो पानीपत के सीनियर रहे, जी हाँ जी जी, पानीपत से, हाँ जी पानीपत से हैं, बड़े बड़े जाने माने चले गए थे। अच्छा, हाँ जी,
बीएससी करके चले गए थे। अच्छा। और अब इसी लाइन में बड़े बड़े आपको ये हमारे गांव के हैं, उसी साइड के हैं, सतीश जी हैं, सतीश कौशिक जी, जी जी जी, यशपाल शर्मा जी, यशपाल बहुत बड़े नाम थे, मतलब बहुत बड़े नाम है सर ये जो ना के जी, सारे। जी, जी, तो जी, जी, जी। थिएटर का मेरे अंदर बचपन से ही मतलब ये दिल्ली, रोहतक, जींद और इवन जो संगरूर तक के मैंने जितने भी हॉल हैं उनमें फिल्में देखी हैं सर। ओके। और इन फिल्मों के पीछे इनके साथ साथ मैं और बताऊं कि मुझे, मैं छोटा था, सांग देखने का मुझे बड़ा शौक था और चंद्रबाबू जी और धनपत जी के सांग मैंने देखे हैं। और एक और बात, मैं डांस का जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा मुझे प्रोत्साहन मिला वो मैं तो बीच में फिर फिल्मों पे आऊंगा, मैं सांग जो चंद्रबाबू जी के थे उनके पास दो डांसर थे, बलबीर और करमवीर। करमवीर ने मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, प्रोत्साहित किया डांस करने के लिए। ओके। क्योंकि वो जबरदस्त था, लेडी सूट पहन के वो कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की नहीं है, इतना ब्यूटीफुल, इतना डांस अच्छा करता था, जी, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा। तो जहां तक लचक मटक, तो सर ये जो मैंने हरियाणा का कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा जहां सिनेमा था, थिएटर था और मैं वहां आ गया हूँ। तो बचपन से ही मैं, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई है, मेरी रिश्तेदारी में मेरे मौसा लगते थे, उनकी डेथ हो गई थी और दादरी के पास गांव था, वहां जाना था। मैंने सिस्टर से कहा भी तुम चलो मैं आ रहा हूँ, और मैं पहुंच गया भिवानी फिल्म देखने के लिए। अच्छा। ऐसी अवस्था में भी तो मैंने फिल्मों, फिल्मी जो सफर था वो मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा थी, फिल्म कहीं नहीं छोड़ता था मैं जी। और धीरे 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 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आनंद जी ने एक फिल्म शुरू की थी हरफुल जाट जुलानी का। ओके। और मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने फिल्म में काम ना करने की बजाय अपने एग्जाम को तरजीह दी थी सर। मेरे पेपर भी चल रहे थे और मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। मैंने साहब कहा कि देखिए मैं एमए के पेपर दे रहा था, मैंने कहा जी मैंने, मेरे छोटे भाई बहन है उनको पालना है तो मैं आगे कर लूंगा अगर मेरी तकदीर में करना होगा तो। जी, 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 जी। और इससे पहले एक और बात थी कि जीन में पढ़ता था, जब मेरे अंदर सर्कस आया, सर्कस देखा और बहुत समय में सर्कस में वैसे ही हाथ जोड़ के अंदर घुस जाया करता, शेर के पिंजरे के सामने खड़ा रहा करता। ओके। और 1965 की या 65-66 की बात है, मैं फिल्मों के चक्कर में जीन से अपना एक पजामा कुर्ता जो भी उस वक्त लेके निकल लिया और मुंबई जाने के लिए, उस वक्त मेरे ख्याल से जहां तक मेरी 40 रुपए किराया होता था शायद। ओके। दिल्ली से। अच्छा। तो मैं निकल लिया गवर्नमेंट कॉलेज जीन से और बहादुरगढ़ आके वो क्रॉस होना था ट्रेन का, एक दिल्ली की तरफ से आई थी, एक जीन से जा रही थी, मैं जींद वाली में, तो मैं उतर के और बेंच पे बैठ गया। अच्छा। और जाना था मुंबई, मैं बैठ गया, मैंने कहा चलो क्रॉसिंग के बाद फिर चढ़ लूंगा मैं। तो वहां सोच के मेरे दिमाग में देखिए इमोशंस, छोटे भाई बहन मेरे से सभी छोटे हैं, एक बड़ी सिस्टर है, उनके चेहरे सामने आ गए, 1965 की बात है सर, उनके चेहरे सामने आ गए, मेरी माँ का चेहरा सामने आ गया, मेरे पिता का चेहरा सामने आ गया। मेरे दिमाग में ये, अगर तू चला गया तू तो वापस नहीं आएगा, मुंबईया होकर के रह जाएगा, तो इनका इनको कौन संभालेगा। हाँ, तमाम भावनाएं आ रही थी। जी 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 जी। दिल्ली से ट्रेन आ रही थी, उसमें वापस बैठ लिया और जीन जाके पढ़ा, एमए करी, फिर नौकरी की और साथ साथ मैं डीएवी कॉलेज अमृतसर में असिस्टेंट, सॉरी लेक्चरर, उस वक्त लेक्चरर की पोस्ट थी, लेक्चरर रहा सर, गवर्नमेंट कॉलेज कालका में लेक्चरर रहा फिलोसफी का। तो मैं जाके वापिस चला गया और इतना इमोशनल हो गया था कि भी मैं नहीं जाऊंगा बंबई कभी भी। और आज तक मैं फिल्मों के लिए, सिर्फ गानों के लिए गया हूं और जो फिल्में बनाई है उनके लिए, जो म्यूजिक वगैरह के लिए गया हूं, डांस डायरेक्टर के, लेकिन मैंने कभी बंबई का रुख नहीं किया सर, केवल और केवल हरियाणा में रह करके अपने जो सिनेमा है हरियाणवी उसी को तरजीह दी। और ये जो मेरा सफर 1983-84 में वो जब फिल्म बनी थी, छह, ये चंद्रावल आई, बहुरानी आई, उसके बाद फिर हमारा एक ग्रुप था भाल सिंह, बहुत बहुत बेस्ट सिंगर हैं हरियाणा के। हाँ, बहुत मशहूर, उनको अवार्ड मिला,
मुझे भी बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिला हुआ सर। तो मेरे दिमाग 1984 से हमने एक ग्रुप बनाया, उससे पहले उन चंद्रावल ने हमारे कॉन्टेक्ट किया और एक ग्रुप बन गया। अरविंद जी हैं, कादयान हुआ करते थे, भाल सिंह जी और मैं, सभी मिल करके ग्रुप बनाया और फिर ये कर फिल्म बनाएंगे। तो पहली जो मेरी फिल्म थी जिसमें मैंने काम किया वो छैल गैल ना जांगी थी, और अच्छा छैल गैल ना जांगी में आज भी मुझे याद है। फिर आगे तो फिर एक तांता लगे, आज भी शूटिंग पे आया हूं मैं सर, मैंने बताया था हाँ आज जी जी भी जी शूटिंग। तो वो जो उसका गीत था छैल गैल जांगी बजन दे मेरा नाड़ा, मैं यूथ फेस्टिवलों में जजमेंट में जाता हूँ तो वहां के ऑर्गेनाइजर मुझे बुलाते हैं कि जी वो एक बार परफॉर्म कर दो आप, चाहे दो अच्छा मिनट के लिए करो चाहे जी पांच जी मिनट के लिए करो, जी जी और जी मैं जी यहाँ भी करूंगा, मैं जी जी करूंगा। तो जी इरशाद धीरे 1900 में हाँ ये फिल्मी सफर शुरू हुआ था सर। जी जी फिर हमारा ग्रुप था, ग्रुप से बाहर भी जयंत प्रभाकर हुआ करते थे डायरेक्टर, उन्होंने मेरे को छोटी साली में लिया, गुलाबों में लिया। उसके जी अलावा समंदर अहलावत जी हुआ करते, अब नहीं है ये दोनों, उन्होंने जी मेरे को लिया। तो मुझे मतलब हर, चाहे वो किसी भी ग्रुप का था, उन्होंने सबने बुलाया मेरे को, और जी यहाँ रह करके मेरे को अवार्ड मिला। जूरी ये हरियाणवी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली में स्थापित किया था हाँ सालों हाँ पहले, अच्छा उसमें 15-16 फिल्म थी जब सर, ये बात अच्छा है 1989 की है शायद, उसमें मेरे को बेस्ट कॉमेडी एक्टर ऑफ हरियाणा का अवार्ड मिला था सर। ओह पूरी फैंटास्टिक जूरी बैठी थी, 5 मेंबर थे उसमें, जो हरियाणा के सुधीर शर्मा जैसे बहुत ही विद्वान थे कल्चरल, उसमें वो पब्लिक बिल्कुल रिलेशन ऑफिसर भी रहे हैं हाँ और बिल्कुल मैं प्रोफेसर जानता इंग्लिश हूँ के भी हैं, हाँ 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 वो भी थे उस जूरी में। तो उन्होंने सबने मेरे को अवार्ड दिया था बेस्ट कॉमेडी एक्टर का, और अलग अलग रोल किए सर, नाई का रोल मैंने किया है, और मेरे को कई मतलब चुटकुले भी याद आते हैं। और जब नाई का रोल किया था तो मेरे पास एक शेव करवाने के लिए आता है, कहता भाई दाढ़ी बना दे मेरी, मैं कहा अच्छा बैठ जा कुर्सी पे। अच्छा जब कहता, और मैं मतलब पानी नहीं लगाता, वो जो ब्रश लगाते हैं ना वो हाँ पानी नहीं लगाता, अच्छा उस ब्रश पे थूकता हूँ ऐसे करके। वो कहता है अबे क्या कर रहा है, थूक क्यों रहा है? मैंने कहा थूक नहीं रहा हूँ, तेरी दाढ़ी को गिल्ली कर रहा हूं। और ने बोला तू धीरे धीरे साबुन को लगा ले, साबुन को लगा ले। मैं कहा चिंता ना कर, जब मेरा भूठा उस्तरा तेरे गलूरे पे चलेगा तो सब कुछ हाँ भूल जाएगा, कुछ जी इतना ही जी जी डायलॉग थे। मैं बहुत अच्छे मतलब डायलॉग वो थे। एक बार शूटिंग का ही, मैं छोटी साली की शूटिंग थी और जी उसमें भी नाई का रोल था, सेट अच्छा लगाया, जी बनाया और हाँ उसमें असली उस्तरा लेके आ गए, ओ असली अच्छा उस्तरा, और ओ वो पट्टा होता है उस पे वो जी करते जी हैं, जी जी बहुत तेज होता है वो और एक पत्थर की टुकड़ी होती है उस पे बनाते हैं। बिल्कुल है जी 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 तो ये सारा का सारा गाना था, मेरी खोखे में खुली दुकान, नाम मेरा धन सिनाई से, हजाम मत बनवा ले जुजमान, हजाम मत बनवा ले जुजमान, उस तरह गढ़ा कसाई से, रे 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 मेरी खोखे में। तो ये गाना था सर, वाह 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 और वाह उसमें पहले म्यूजिक था और मैंने उस म्यूजिक के साथ पहले तो उस उसरा खोला और अच्छा पहले उस पत्थर की टुकड़ी पे रख दा, और फिर वाह वो चमड़े की पट्टी पकड़ के छूंगा 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 क्या ये जब बात किया, है और जब मैंने हाथ पे भी वो करते हैं उसरे को, हाथ जी पे ये जो है ये पोरवा ये जी उसरे से कट गया, ओ वहीं पे खून 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 ही खून खून ही ओ खून हो गया शुरू। ओ तो ऐसे अरे भी घटना हो जाती है। एक बार जी 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 छोटी ये फिल्म थी यारी, जिसमें दारा सिंह जी थे, अरे वाह उसमें मैं कंडक्टर बना हुआ हूँ, अच्छा हीरो को अपनी हीरोइन दिखती है और उसे 90 डिग्री के एंगल पे ट्रक को मोड़ना होता है, अच्छा उसने जो ट्रक मोड़ा तो कीकर के अंदर वो एक्सीडेंट, ओ मैंने पैर ऊपर उठाए और ओ बेहोश, ड्राइवर ओ के वो लगा उसमें ओ रे रे स्टेरिंग, अरे अरे वो भी बेहोश। ओ जब भाग के आए, बहुत लोग ओ थे ओ उसमें क्रू के, सारे भाग के जी आए, जी 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 वो हमारे को उठा, मैंने आंख खोल के मगा आई एम ऑल राइट, पहले इसको संभालो ड्राइवर को। तो जी कई कई चीजें मतलब ये
हुई है सर, कॉमेडी की मतलब इस तरह से, तो मेरे को इस जूरी ने बेस्ट कॉमेडी एक्टर ऑफ हरियाणा का भी 1989 में अवार्ड दिया था सर। नहीं, तो जाहिर ये है, सिलसिला बिल्कुल। अभी तक चल रहा है सर। हाँ, तो मेरे हाँ, अंदर जो ये बच्चे आजकल एक और कल्चर का इतना मतलब हो है, मैंने आपको पहले बताया है कि लास्ट ब्रीदिंग पर जब मेरे को चार लोग लेके जाएंगे तो मैं ढोलक बजता हुआ सुनूंगा ना, तो उठ के पहले तो नाचूंगा और फिर कहूंगा कि अब ले चलो। तो इतनी मेरे अंदर वो है कि मेरे को कल्चर का, रिदम का, गाने का, जहां भी कुछ होता है तो अंदर से कुछ ना कुछ मेरे ऐसे कुलबुलाहट होती है कि मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, सब कुछ। तो परमात्मा की ही ये कृपा है, बाकी बड़े बुजुर्गों की और छोटे भाइयों की, सबकी मेरे को शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं सर, ये उन्हीं की बदौलत ये चल रहा है। तो ये फिल्मी सफर भी करीब 17-18 फिल्में हुई हैं, मेरे ख्याल से कुछ छोड़ गया हूं तो आप मेरे को बता दीजिए। तो बीच में यदि मैं भूल जाता हूं तो आप मेरे को बता दीजिए। नहीं 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 और बताइए। देखिए, मैंने तो बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था जब बोलते आने के आज इस कड़ी को पेश कर रहे थे कि आपको बच्चे से मिला रहे हैं, हम बिल्कुल यंग आदमी से बल्कि मिला रहे हैं, और वो आपने ऐसी ऐसी बातें कर दी तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है 15-16 साल का बच्चा बात कर रहा है और हम बहुत बुजुर्ग हैं आपके सामने। तो आप में अभी भी वो बचपना है, और जो जिस आदमी के अंदर बचपना रहता है, बचपन रहता है, वो एक बहुत ही अजीम आदमी होता है, शख्सियत होती है, और ईश्वर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा बरकतों से नवाजे, आशीषें दे, क्योंकि किस तरीके से आप अभी भी जिंदा दिली की एक प्रतीक हैं हम सबके लिए। डॉक्टर साहब, इस पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की एज के बच्चे या युवा, और एक आपने तो हर युग देखा है, तो एक अंतर का लगता है, और जिस तरीके से मैंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर ये भी बताया गया है कि वे हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको जाहिर है कि किताबी ज्ञान के अलावा दूसरे ज्ञान भी होने चाहिए, एक्सटेंशन सर्विस जिसे कहते हैं, चाहे वो NSS के थ्रू होती है, NCC के थ्रू होती है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के थ्रू होती है, या यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए होती है, इन तमाम चीजों में आपका क्या नजरिया, जो आज के युग के बच्चे देख रहे हैं और पहले के थे, और क्या आपका मैसेज होगा इसमें? इसमें सर मेरी राय, बेबाक राय है मेरी बिल्कुल भी। प्लीज जो हमारा हमारा समय था, तो ये देखिए कि जब हम थिएटर के लिए जाते थे तो कॉस्ट्यूम जो भी होता था हम खुद तैयार करते थे। जी 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 जी। और मेकअप जो है, चाहे वो पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल है, उनसे खुद ही किया करते थे जी, और हमारे टीचर करवाया करते। लेकिन ये डेवलप करते करते आज के बच्चे में, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कॉस्ट्यूम उतार के फेंक के ऐसे चले जाते हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। तो फर्क तो बहुत आ गया सर। जी जी। हमारे समय में हम खुद तैयारी किया करते थे और इमोशनली इतने अटैच हो जाया करते थे स्क्रिप्ट के साथ भी, डायरेक्टर के साथ भी। लेकिन आज का बच्चा एक बार करने के बाद वो ये समझता है कि मेरे से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, मेरे से बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है। तो ये भावना पता नहीं किस तरह से मतलब बच्चों पे डेवलप हो रही है, जो कि मैं समझता हूं कि आर्ट के लिए एक खतरा है सर। और मुझे अभी तक डायरेक्टर रहते हुए, असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हुए, ये कल्चरल एक्टिविटीज का तो यूथ फेस्टिवल, सैकड़ों से ज्यादा यूथ फेस्टिवल किए हैं, जोनल भी किए हैं, फिर आगे भी पार्टिसिपेट किया। आपने भी मेरे को, मैं पहले पार्टिसिपेट करता रहा, फिर कॉन्टिंजेंट इंचार्ज बन के जाता रहा, फिर आपने मेरे को जजमेंट के उसमें, हर यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, आपने भी बुलाया मेरे को। तो ये जो सफर रहा, इसमें देखिए एजुकेशनल का हुआ, मैंने और मेरे जो सीनियर थे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, उनमें सबसे पहले गर्ग साहब का नाम आता है, फिर राजवीर जी का नाम आता है। हमने कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं सर, और अब जब भी राठी भी कर रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज में कोई 20-30 के करीब वाटर के गेम्स, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप और टीचर टोट कैंप्स, बड़ी मतलब ये एक्टिविटीज, ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मतलब, और इससे मेरे को ऑब्जर्व किया, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, अब भी मैं ये कर रहा हूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एज एडवाइजर, के बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बच्चों को जितना आप देंगे, एक ये
और बसों में भी मैं देखता हूँ, अब तो कोरोना की वजह से बसों में नहीं बैठते, लेकिन अभी भी बच्चों में डेवलप हो रही है कि बड़ों को सम्मान दे के सीट देना, लेडीज को सीट देना, स्मोकिंग जो है ना वो हटती जा रही है, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जी, जी। और बच्चे ये बातें आपकी यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं, और पार्टिकुलरली एक बीच में आपने बात कही थी कि जो चाहे वो साइंस साइड हो, कोई भी हो, जहां तक कल्चर का फील्ड है, ये साइंस के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल के लिए भी। आदमी गाएगा, बजाएगा, नाचेगा, तो जो ये माइंड है उसका नाचने लगेगा, उसको पढ़ने की और भी ताकत मिलेगी। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्टिविटीज तो बड़ी मायने रखती हैं। और केवल अभी नहीं, युगों युगों से हर ईरा में ये जो एक्टिविटीज हैं, ये मेंटल उसके सशक्त करने के लिए, मन को और आत्मा को आनंद देने के लिए जरूरी है। और जब आपका मन और आत्मा प्रफुल्लित होंगे, साउंड होंगे, तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको पूरा शक्ति मिलेगी इन एक्टिविटीज की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि एजुकेशनल जो हमारे तीन स्तंभ है, एजुकेशन है सर, फिर आपका स्पोर्ट्स है सर, मैं भी क्योंकि स्पोर्ट्स में रहा हूं कॉलेज टाइम में, और ये कल्चर का है सर। तो कल्चर और स्पोर्ट्स दोनों स्तंभ ऐसे हैं कि एजुकेशन के अंदर इनकी बहुत अहमियत है हर बच्चे के लिए। मैं तो समझता हूं कि हर गवर्नमेंट पूरे इंडिया को चाहिए कि म्यूजिक का सब्जेक्ट और डांस का सब्जेक्ट हम स्कूल से ही डेवलप करें, ताकि बच्चा चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे साइंस की एजुकेशन है, उनमें और भी जो है ना साउंड होकर के वो मेहनत कर सकते हैं सर। उनके लिए बहुत जरूरी है जो कल्चर का फील्ड है मेरे हिसाब से सर। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से हमने आज का प्रोग्राम जो इसका मेन जो मौजू जो था वो हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी किस तरीके से बनती है, और आपको बुला के बोलते आने की आज इस श्रृंखला के अंदर हमने यही बताना चाहा कि हॉलिस्टिक या पर्सनैलिटी या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है वो बॉडी, सोल एंड माइंड, इन तीनों का जब समन्वय होता है तब वो पूर्ण मानव की तरीके से उसमें परफेक्शन आता है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई, आखिरी में अगर कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बताइएगा, हमारी तरफ से सारा सिलसिला सवालों का खत्म हो गया, और आखिरी में कुछ संदेश देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी, मेरा आत्मिक और मानसिक संदेश यही है कि सर पहले तो एक बात कहूंगा कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में 1985 से जो युवा समारोह का रेगुलर जो फीचर बना है, उसमें आपका पहली बात यह है कि बहुत बहुत आत्मिक योगदान है। और ये इन युवा समारोहों से हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको जुड़ाव मिला है, तमिलनाडु हरियाणा से, हरियाणा आसाम से, आसाम हिमाचल से, हर स्टेट आपस में एक मंच पर आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सांस्कृतिक माध्यम से जो आपने शुरू करवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करवाया आपके माध्यम से। तो जो संस्कृति का हमारा मिलन है, एक प्लेटफॉर्म पे आपने पूरे हिंदुस्तान को ला करके खड़ा कर दिया है, माध्यम चाहे थिएटर रहा हो, म्यूजिक रहा हो, डांसिंग, लिटरेरी, फाइन आर्ट, जो भी एक्टिविटीज। इसके अलावा आपने होम स्टे स्कीम चलाई है, आपने और भी दूसरी स्कीम चलाई है, सभी का एक ही उद्देश्य था, एक ही टारगेट था कि हिंदुस्तान को इंटीग्रेशन लेके आना। तो हिंदुस्तान में जो इंटीग्रेशन आया है और जो इकट्ठा आया है, ब्रदरहुड का लगा लीजिए, कोऑपरेशन का लगा लीजिए, हेल्प का लगा दीजिए, इन युवा समारोहों के माध्यम से हिंदुस्तान का युवा जो है वो जुड़ाव नजदीक आ गया है। तो मेरा संदेश यही है कि हर गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन एक्टिविटीज के माध्यम से हर लेवल से शुरू करवाए, ताकि हर स्टूडेंट को, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, उसको आपने अभी कहा मानसिक शक्ति मिले, आत्मिक शक्ति मिले, शारीरिक शक्ति मिले, और ये जब तीनों शक्ति एक मिलकर के हो जाएंगी तो हमारा हिंदुस्तान वास्तव में ही जगत गुरु बन जाएगा। ये मेरा। और एक और सर जी, अब ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसके लिए आपके माध्यम से मेरा एक ही संदेश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है
कि जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन मन से हर तरह से करना चाहिए, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे साबुन से हाथ धोने का है, चाहे वो और दूसरे कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका पालन बहुत जरूरी है। और ये जो को वैक्सीन कोविशील्ड लगी है, हमने लगवा लिया सर, दोनों ने लगवा लिया है, तो मेरी सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है कई बार टीवी में आता है कि ये इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन प्रभावी है। इससे मतलब अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है तो उसकी डेथ नहीं है सर, वो बच जाएगा यदि ये कोविशन वैक्सीन हम ले लेते हैं। तो सभी से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और तन से मन से धन से हम एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे को बच्चों को उंगली पकड़ के चलाएं और बड़ों का अनुभव जो है हम लेकर के चले। तो ये एक संदेश है सर। और भी बहुत सी बातें थी, वो छेल के ला जागी रह गया हमारा, तो जाते जाते मैं थोड़ा सा वो करता हूँ जी, वो फिल्म थी छेल के ला जागी बाजन दे मेरा नाड़ा, तो उसका थोड़ा समय बताइए। और जो नाइट मनी थी उसकी दो पंक्तियां जो आज की उसमें गुरुजी ने लिखा था ये गीत, पहले छेल के ले जाएंगी का थोड़ा जी, जी, जी। छेल गे ला जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, मैं छेल गे ला छेल गे ला जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, मैं छेल गे ला। और इसका देखिए इंग्लिश में वेस्टर्न, छेल गे ला छेल गे ला छेल गे ला जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा नाड़ा दामन मेरा, दामन मेरा बारा दूर का जाना, दामन मेरा दामन मेरा बारा दूर का जाना, मैं छेल गेना मैं छेल गेना जांगी बजन दे मेरा नाड़ा, मैं छेल गेना। तो ये था थोड़ा सा था, ये था सर। और वो और क्या, मैं दिमाग से उतर गया, क्या बोलूं मैं, क्या बताना था, छेल गेना जांगी का हो गया सर। और अब जो ये आपने हाइफा का जिक्र किया सर, इसमें हमारे 80 के करीब जो है ना अलग अलग, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे सिंगर हैं, चाहे 80 कलाकार, उम्दा कलाकार, उत्कृष्ट कलाकार वो जुड़े हुए हैं हाइफा में। और केवल हरियाणवी सिनेमा और हरियाणवी कलाकारों के लिए ये काम कर रही है। और कल्चर में हम सभी से ये करते हैं, हर हिंदुस्तान के हर बच्चे से करते हैं कि कल्चरल का दामन आपने पकड़ लिया, संस्कृति का दामन आपने पकड़ लिया, तो आपको ऊंचाइयों तक जाने में कोई रोक ही नहीं सकता। और आपने जो युवा समारोह का सर ये तांता शुरू किया है, वो वास्तव में ही अपने अपने यूनिक है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत इंटीग्रेशन का वो आपने दिया है सर। और मैं तो आपका और जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, और के आपने मेरे को, हमारे गुरुओं ने, एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के सभी गुरुओं का, सभी मन से बड़ा आभारी हूँ कि मुझे, और मेरे अंदर कुछ नहीं है सर, ये सामने वाले में देखने की जो है, क्योंकि हम तो उछल कूद लेते हैं सर, ये जो एस्थेटिक सेंस है ये आप देखने ऑडियंस के अंदर होती है सर। ऑडियंस जितना जिस कलाकार को चाहे ऊपर उठा दे चाहे नीचे ले आए, ये सारे ऑडियंस के दिमाग की बात होती है सर। कलाकार तो अपने उछल के कूद के करके चला जाता है, लेकिन जहां तक ऊंचाइयों पे ले जाने की बात है, वो सबसे बड़ी ऑडियंस है, श्रोता है और देखने वाले हैं सर। जी जी, तो जी, उनको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं, शुभ आशीष, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें, सुखी रहें और कोरोना से बचें, कोरोना बीमारी खत्म हो, ये परमपिता परमात्मा से, उस ऑलमाइटी गॉड से प्रार्थना है कि पूरा समाज जो ना भारतीय समाज वो सुखी रहे, संपन्न रहे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आज की इस महफिल के सितारे डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी, प्रसिद्ध अभिनेता और यूथ कल्चरल एक्टिविस्ट। तो अगली बारी एक बारी फिर से हम एक महान शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जनार्दन शर्मा जी, बोलते आईने के सारे दर्शकों की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।